इस वीडियो में हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार जा रहे हैं और भाग्यशाली हैं इस पवित्र पावन नवरात्रों में जा रहे हैं तो अपनी वीडियो हम तक जरूर साझा करें। हमारा टेलीग्राम नंबर आपके स्क्रीन पर है जहां पर आप अपनी वीडियो बना के हम तक साझा कर सकते हैं अगर आप साझा करना चाहते हैं तो। जय माता दी। एक और नए प्यारे से वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करते हैं। इस नए वीडियो में हम आप सब से श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित इस समय की कुछ और नई जानकारियां साझा करने के साथ साथ माता रानी की यात्रा से नए दर्शन कराने वाले हैं। तो आप सभी भक्त इस वीडियो को पूरा देखने के साथ पूरा ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में सबसे पहले जो आप नज़ारा देख रहे हैं कटरा के मेन चौक का नज़ारा है जिसे हम बाबा श्रीधर चौक के नाम से जानते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको धूप की किरणें देखने को मिल रही होंगी और कुछ इस प्रकार से जो है नवरात्रों के होर्डिंग्स लगाए गए हैं पूरे कटरा शहर में। कटरा शहर को भी बहुत ही भव्य तरीके से इस समय सजाया गया है। वहीं आप सबको जानकारी दे देते हैं RFID कार्ड की। हमने पहले भी आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि अगर आप श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार आगामी दिनों में जा रहे हैं और RFID कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा लंबी कतारों का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा कटरा में जितने भी काउंटर्स हैं वहाँ दो नए विंडो बनाए गए हैं ऑनलाइन वाले श्रद्धालुओं के लिए। ऐसे कोई श्रद्धालु हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के जा रहे हैं तो उनको ज़्यादा कतारों का सामना नहीं करना पड़ेगा, उन्हें सिंपल ऑनलाइन वाले लाइन में जाना पड़ेगा और वहाँ पर अपना ऑनलाइन का जो स्लिप है उसे दिखाना पड़ेगा और उन्हें तुरंत RFID कार्ड मिल जाएगा। हमने नवरात्रि की वीडियो 2 महीने पहले बनाया था तो उसमें भी हमने आपसे ये जानकारी साझा की थी, तो इस बात का खास ख्याल रखें। सामने आप वीडियो में भी देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से भक्तों को RFID कार्ड मिल रहा है। अभी आपके स्क्रीन पर जो नज़ारा है वो कटरा शहर के रात का नज़ारा है जहाँ पर आप देख रहे हैं कितना सुंदर तरीके से कटरा चौक हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो फाउंटेन देखने को मिल रहा है कितना भव्य लग रहा है। आप सब जानते हैं किसी फाउंटेन की वजह से इसे हम फाउंटेन चौक भी कहते हैं और कुछ इस प्रकार से कटरा का ये भव्य नज़ारा आपके स्क्रीन पर है। रात के समय काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है कटरा शहर। वहीं माता रानी का नाम लेकर हम पहुंच चुके हैं माँ भगवती के भवन में और आप सबके स्क्रीन पर जो नज़ारा है वो माता रानी के भवन का सुंदर नज़ारा है जहां पर आप देख रहे हैं माता रानी के भवन को कितने भव्य तरीके से अलग अलग फूलों द्वारा अलग अलग फलों द्वारा सजाया गया जिससे कि माँ भगवती का पवित्र पावन भवन बहुत ही प्यारा और सुंदर लग रहा है। अगर आप सब नवरात्रों में जा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सामने आप एक फुटेज देख रहे हैं जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्काई वॉक से श्रद्धालु जा रहे हैं माँ भगवती के दर्शन के लिए। तो आपको बता दें कि नौ दुर्गा पथ जिसे हम स्काई वॉक कह रहे हैं उसका इनॉग्रेशन हो चुका है। श्रद्धालु कल से उससे जा रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। तो आप भी अगर आगामी दिनों में माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं तो उसे दर्शन ज़रूर करिएगा और अपना एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो के माध्यम से। आप कमेंट में भी फीडबैक लिख सकते हैं। आप सब देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार का नज़ारा माता रानी के पवित्र पावन प्राचीन गुफा के पास का है जहां हमने पहले ही वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि यहां पर दो बड़े LED लगाए गए हैं जिसमें आप सब जब अटका आरती में शामिल होंगे तो वहां पे आप माता रानी के पवित्र पावन पिंडियों के दर्शन करते रहेंगे और आरती का भी लाइव टेलीकास्ट उसमें भी आप देखते रहेंगे। अब आप सबके लिए ज़रूरी सूचना ये है कि कल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO श्री अंशुल गर्ग जी ने नए लंगर को भी शुरू कर दिया जो कि ऊपर भैरव घाटी में बना हुआ है। इसके पहले दो नए लंगर चल रहे थे जो कि पहला लंगर था आपका नया ताराकूट मार्ग पर और दूसरा लंगर था सांझी छत पर जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क रहता था। वैसे ही निःशुल्क लंगर फिर से शुरू कर दिया गया है भैरव घाटी में, यानी आप भैरव घाटी जाएंगे तो वहाँ पे भी आप निःशुल्क लंगर का आनंद ले सकते हैं और अच्छी तरीके से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। अब ये कहाँ पर है तो मैं आपको बता दूं कि जो भैरव घाटी में जो आपका भोजनालय था ना उसी को लंगर में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो वहाँ पे जाके आप लंगर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और फीडबैक हम तक ज़रूर शेयर करिएगा। इसके साथ साथ बात कर लीजिए कुछ और नई जानकारी की, तो आपको बता दें कि कल शाम को 6 बजे से लेके आज सुबह 4 बजे तक यात्रा को रोक दिया गया था। कल श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 50,000 से ऊपर चली गई थी इसीलिए यात्रा को नीचे से ही रोक दिया गया था। तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि अगर आप आगामी दिनों में जा रहे हैं और अगर संख्या बढ़ेगी तो हो सकता है यात्रा को नीचे रोक दिया जाए, इसीलिए कोशिश ये करिएगा कि RFID कार्ड सबसे पहले ले लीजिएगा
और अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे के आसपास अपनी यात्रा की शुरुआत करिए। सेम डे में ही दर्शन करके सेम डे नीचे आने की कोशिश करिए, जिससे आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। मौसम की बात कर ली जाए तो हमने कल ही वीडियो बना के आपको बताया था कि कटरा में काफ़ी बारिश हो रहा था, जिसके चलते मौसम परिवर्तन हो गया है। ऐसा ही कुछ भवन में भी हुआ है, हल्की हल्की बारिश देखने को मिली, जिसके चलते पूरी तरीके से मौसम परिवर्तन हो चुका है। तो अगर आप श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार आगामी दिनों में जा रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़ा, रेनकोट और अम्ब्रेला और विंटर के जो भी कैप्स हैं उसे रख लीजिएगा, क्योंकि आपको भवन में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर बारिश होगा ना तो रेनकोट और अम्ब्रेला आपका बहुत ही साथ देने वाला है। इसलिए पूरे मेजर प्रिकॉशंस के साथ श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करिएगा। माता रानी से हम आपके लिए हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी यात्रा को माँ भगवती मंगलमय बनाए। इसके साथ साथ सुविधाओं की बात कर ली जाए तो फिलहाल इस समय श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा मिल जा रही है, चाहे घोड़ा पिट्ठू पालकी हो, रोप वे हो या बैटरी कार हो। श्रद्धालु बहुत ही आसानी से माँ भगवती के दर्शन के लिए जाते वक्त सभी सुविधा का लाभ लेते हुए माता रानी के दर्शन कर पा रहे हैं। साथ ही साथ काफी श्रद्धालु ऐसे हैं जो माता रानी के भवन पर जाकर रुकना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है दुर्गा भवन। आप दुर्गा भवन में जाके स्टे कर सकते हैं। लगभग शाम को 7 से 8 बजे के बीच दुर्गा भवन खुलता है, जहाँ पर जाके आप निःशुल्क रुक सकते हैं अगर आपकी कोई भी बुकिंग नहीं है तो। और साथ ही साथ आपको बता दें, एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले ही वीडियो बना के हमने इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि जो कटरा का बस स्टैंड है उसे बदल दिया गया है, वो चेंज हो गया है। यानी आपको 1 किलोमीटर पहले ही उतरना पड़ेगा अगर आप जम्मू से कटरा बाई बस आ रहे हैं। इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कटरा में आपको होटल नहीं मिलेगा, कटरा के गली गली में होटल्स और गेस्ट हाउस हैं, तो आपको आराम से होटल्स और गेस्ट हाउस वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ फिलहाल अभी रोपवे की ऑनलाइन बुकिंग नहीं शुरू की गई है। जैसे ही रोपवे की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी हम वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। इसके साथ साथ फिलहाल इस समय वेबसाइट पर दिसंबर महीने की ही बुकिंग चल रही है, तो जैसे ही जनवरी महीने की बुकिंग ओपन होगी आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया जाएगा। आप सब जो है रेगुलर वे में कमेंट ना किया करिए कि कब बुकिंग खुलेगा, कब क्या होगा। देखिए जब होगा तो हम आपको वीडियो बनाकर वैसे ही इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। जैसे हम पिछले समय में वीडियोस बना के इन्फॉर्मेशन शेयर करते आ रहे हैं, वैसे भी हम आगे कोशिश करेंगे कि वीडियो बना के आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें, जिससे आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो और आपके पास सभी प्रकार से सभी जानकारियाँ उपलब्ध हो। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अगर आप माँ भगवती के दरबार आगामी दिनों में जा रहे हैं तो भवन पर पार्वती भवन का भी इनॉग्रेशन हो चुका है। आप पार्वती भवन में जाके स्नान कर सकते हैं और उसके बाद वहीं पर सामान रख के अपना जो है माता रानी के दर्शन के लिए आगे प्रस्थान कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही बेहतर सुविधा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा दिया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा इस वक्त नवरात्रों के पूरे टाइम में दिव्यांगजन श्रद्धालुओं के लिए फ्री घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा दी जा रही है, बैटरी कार की भी सुविधा दी जा रही है और उनको ऊपर दर्शन करने के लिए भी पहले पास दिया जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जितने भी कटरा में काउंटर बने हैं, जैसे बाणगंगा पर काउंटर बना है दिव्यांगजन श्रद्धालुओं के लिए, वहाँ जाना है। जो भी ऐसे श्रद्धालु हैं उनका सर्टिफिकेट होगा उनको दिखाना है और उसके बाद वो सभी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। वैसे ही आपको भवन पर पहुँचना है, दुर्गा भवन के अंदर इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन काउंटर है, वहाँ पहुँच जाइए, अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, वहाँ आपको दर्शन के लिए पास मिल जाएगा, जिससे आप बहुत ही जल्दी आसानी से दर्शन कर लेंगे और माता रानी की कृपा लेके आप नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से कुछ आपको सुविधा दी जा रही है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा, जिस सुविधा का लाभ आप बहुत आसानी से उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कोशिश किया कि माँ भगवती की यात्रा से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपसे साझा की जाए, घर बैठे आपको माता रानी के दर्शन कराया जाए, नवरात्रि सजावट दिखाया जाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी जैसे ही हम तक वीडियोस आएगी हम आप सब तक वो सभी प्रकार की जानकारी शेयर कर देंगे। इस वीडियो में हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार जा रहे हैं और भाग्यशाली हैं इस पवित्र पावन नवरात्रों में जा रहे हैं, तो अपनी वीडियो हम तक ज़रूर साझा करें। हमारा टेलीग्राम नंबर आपके स्क्रीन पर है, जहाँ पर आप अपनी वीडियो बना के हम तक साझा कर सकते हैं अगर आप साझा करना चाहते हैं तो। उम्मीद करेंगे कि आप सब अपनी वीडियोस हम तक ज़रूर साझा करेंगे, उसे हम एज सून एज पॉसिबल यूट्यूब या फेसबुक पर अपलोड करेंगे, जिससे और श्रद्धालु भी घर बैठे हमारे साथ दर्शन कर पाएँ। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और नई प्यारी सी वीडियो में। ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए, माँ भगवती को याद करते रहिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी लिखते रहिए। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। ये तन मन अब हुआ तेरा, रहा कुछ भी नहीं।